तो ये जो नारंगी संतरा है, नागपुरी खटमल जो है संबित पात्रा, आइए आज तथ्यपूर्ण इसकी कुछ पोल खोले। संबित पात्रा की कंपनी ने बैंकों में जो पैसा जमा किया 500 और 1000 रुपए का नोट, उसकी डिटेल्स इस प्रकार से है कि कंपनी के पास 61,52,000 रुपए कैश रोकड़ा, उन पुराने 500,000 रुपए के नोट जिसकी टोटल कीमत होती है 61,52,000 61,52,000 रुपीस, ये उन्होंने बैंकों में जमा की। काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया डब्बा गोल। तो ये जो काली राम है, यानी अर्थात संबित पात्रा, जिसको हम लोग प्यार से अचंबित पात्रा और कुछ हमारे दिए नाम जो आजकल खूब चर्चित हैं उनके लिए अच्छा लगता है ये उपनाम उनके लिए, नारंगी संतरा। तो ये जो नारंगी संतरा है, नागपुरी खटमल जो है संबित पात्रा, आइए आज तथ्यपूर्ण इसकी कुछ पोल खोलें और समझने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने लोगों को गलत फायदे पहुंचाने के लिए हर हद हर सीमा को पार कर सकती है। संबित पात्रा एक चर्चित भारतीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नालायक इंसान हैं, सब जानते हैं। वो हद दर्जे के बदतमीज हैं ये भी जानते हैं, इसीलिए हम उनको नागपुरी संतरा उर्फ नारंगी खटमल कहते हैं। ये सब सुन के वो अचंभित हो जाते हैं, जो उन्हें होना भी चाहिए। आइए उनका अचंभा आज बढ़ाएं। मेरे पास कुछ तथ्य हैं और वो तथ्य कुछ इस तरीके से मुझ तक पहुंचे कि नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन से पहले चीखते चिल्लाते रहे रैलियों में जाके कि हम काला धन वापस लाएंगे, भाइयों बहनों मित्रों हम काला धन वापस लाएंगे विदेशों से। पर हुआ ये कि विदेशों से काला धन तो लाना बहुत दूर की बात है, ढीला नहीं लाए नरेंद्र मोदी जी। परंतु आज विदेश से मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई विदेश से, और उस जानकारी के माध्यम से काला धन भारत में पकड़ा गया। जो काला धन भारत में पकड़ा गया मतलब सरकार ने नहीं पकड़ा, हमने आज उसकी चर्चा करनी है। सबको याद होगा वो कठिन समय नवंबर 2016 का, जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ। 8 नवंबर रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पे प्रकट हुए और नारद मुनि की तरह उन्होंने आग इधर लगाई उधर लगाई और देश में बहुत बुरी हालत कर डाली। हमें याद है वो नोटबंदी का समय, जब आप हम और एक आम इंसान 500 और 1000 के उस समय के चलते नोट एकदम तुरंत बंद कर दिए गए ओवरनाइट, और दूसरे दिन से उनकी कीमत नहीं रही। और फिर हम सबसे कहा गया पूरे भारतवर्ष से कि ये नोट जाकर के बैंक में जमा कर दो और इसके बदले में नए नोट मिलेंगे, पुराने नोट नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लोगों ने घर तपते तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बुरे हालातों में धूप में खड़े हो करके कई तो जाने चली गईं, नोट जमा कराए, और उसके बाद कई महीनों तक, सालों तक, आज तक उस नोटबंदी की हम मार झेलते रहे। आप लोगों ने बहुत सारी पहले की रिपोर्ट्स देखी होंगी जो मीडिया में आई कि किस तरीके से अमित शाह के जिस बैंकों में वो डायरेक्टर हैं वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का काला धन, जिसको ये लोग कहते हैं 500,000 के नोट, जमा हुए पर निकला कुछ नहीं। अंततः हम ये भी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मान लिया था कि लगभग 99% 500 और 1000 के पुराने नोट जो नोटबंदी के समय बंद किए गए थे वो बैंकों में वापस और आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं, और आखिरी फिगर उन्होंने आज तक नहीं दी, 4 साल हो गए, क्योंकि बड़े बहाने दिए गए लेकिन असलियत देश को नहीं बताई गई। अंततः यह मालूम चलता है कि उन पुराने 500 और 1000 के नोट से जो
नरेंद्र मोदी खड़े होकर के का धन वापस ला रहे थे, आतंकवाद की कमर तोड़ रहे थे, ब्लैक मनी खत्म कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, देश की इकोनॉमी खत्म जरूर हो गई। ये वही समय है जबका कुछ इसकी कुछ जानकारी निकल के आई है और अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं सीधा। ये जानकारी मैं आपको अब इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ये तीनों लिंक देख करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा भारत सरकार भी इस वीडियो को देखे और वेरीफाई करे कि नालायक कालाबाजारी करने वाला संबित पात्रा असलियत में है कौन। इसको मैं शीर्षक दूंगा, संबित पात्रा का डिमोनेटाइजेशन स्कैम, नोटबंदी का स्कैम जो संबित पात्रा ने किया। ज्ञात हो कि 2010 में एक कंपनी बनाई गई इस देश में, दिल्ली में। कंपनी का नाम था सेंटर फॉर होलिस्टिक एंड एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड लैंडलेस। इसको उन्होंने ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में बनाया चौपाल, CHAUPAL, चौपाल। 2016 में इस कंपनी के पास 61 लाख रुपए से ज्यादा, ₹61 लाख से ज्यादा कैश इन हैंड था, यानी रोकड़ा था, कैश। समझने की बात है कि 2010 में संबित पात्रा, मैं डिटेल दिखाऊंगा अभी आपको बताऊंगा, संबित पात्रा इसके पार्टनर बनते हैं कंपनी के अंदर। इसमें तीन पार्टनर थे जानकारी के आधार पे, जो मैं आपसे शेयर लिंक के आधार पे कर दूंगा। इस आधार पे ये मालूम चलता है कि संबित पात्रा 2010 में जब ये कंपनी बनी तो उसके एक पार्टनर थे, जिसके दूसरे पार्टनर थे भोलानाथ विज। ये नाम उसमें निकल के आता है जो आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच के थे। तीसरा नाम निकल के आता है बलराम गर्ग, इस जानकारी में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीसी ज्वेलर्स के, जो कि एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की कंपनी है और देश के बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो इन जानकारी के आधार पे जो आपसे इस लिंक में डाल दिया जाएगा और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स प्रिंटेड हैं और अवेलेबल हैं फोटो के तौर पे, जिसमें इस कंपनी में जिसका नाम था सेंटर फॉर होलिस्टिक एंड एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड लैंडलेस उर्फ चौपाल, जिसके तीन मालिक बताए जाते हैं इस कागजों में। एक हैं संबित पात्रा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दूसरे हैं भोलानाथ विज। ये सब 2010 की बात है, भोलानाथ विज आरएसएस के स्वदेशी जागरण मंच के हैं, और तीसरे हैं बलराम गर्ग, श्री बलराम गर्ग मैनेजिंग डायरेक्टर दिखाए गए हैं पीसी ज्वेलर, जो कि एक बहुत बड़ी पीसी ज्वेलर कंपनी है जो सोने चांदी का व्यापार करती है, बड़े बड़े शोरूम्स हैं। अब इसके अंदर खास बात ये बताई गई उन पेपर्स के अंदर कि कंपनी जो है ये, इसका काम है पैसा छोटे छोटे लोगों को उधार देना। इसके अंदर ये निकल के आता है कि ये कंपनी बोरो करती है, उधार लेती है बहुत सारा पैसा अननोन सोर्सेस से, ऐसी जगहों से उधार लेती है जिसका कोई सोर्स नहीं है, और देती किसको है, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इसको कहते हैं, जिनको छोटी छोटी ज़रूरत होती है 10,000, 20,000, 50,000 टाइप की, या उस तरीके की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, संबित पात्रा की ये कंपनी उनको छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस करती है और उसमें से इंटरेस्ट कमाती है, यानी ब्याज कमाती है। ये इस कंपनी का काम है, ये इस तरीके से पेपर्स में दिखाया है, जो पेपर्स मैंने एक्सपोज करने वाला हूं और ऑलरेडी जिसकी बात बता रहा हूं और लिंक में आ जाएंगे। समझने की बात यह है कि इन कागजात के हिसाब से ये कंपनी NBFC नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नहीं है, उस कैटेगरी में नहीं आती है, फिर भी ये धंधा करती है। दूसरा, सेक्शन 8 की कंपनी भी नहीं है, फिर भी ये धंधा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कांड संबित पात्रा अपने आगे बढ़ते हैं। 2010 ऑनवर्ड्स, ये बहुत जरूरी चीज है जानना, इसको वेरीफाई करना चाहिए और इसके लिए पुलिस को भी बीच में आना चाहिए कि 2010 में, इन डिटेल्स के हिसाब से 2010 में जब ये कंपनी बनी तब से ये ऑपरेट होती थी एक ऑफिस से। उस ऑफिस है, कंपनी का नाम, ऑफिस का नाम बताया जा रहा है इन कागजों में, भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट, BMD, और ये कंट्रोल ऑफिस किया जाता था आरएसएस द्वारा,
ये आरएसएस का ऑफिस माना जाता है, जिसका बाहर बोर्ड था भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट, आरएसएस का, और ये आरके पुरम दिल्ली में है। ये 2010 जब कंपनी खुली उसके बाद यहां से इन्होंने ये कांड करने शुरू किए। 2019 में मोदी जी की कृपा से, मोदी गवर्नमेंट की कृपा से इनको ऑफिस दिया गया दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, डीडीयू जो दिल्ली में है। एक बहुत बड़ा प्लॉट दिया गया 2019 में, मोदी गवर्नमेंट ने इनको दिया, ये मानने में आ रहा है पेपर वर्क के हिसाब से, आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को ये दिया गया। ये मैंने आपको पहले बताया कि आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच के भोलानाथ विज इस कंपनी में पार्टनर, और आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को ये जमीन मोदी गवर्नमेंट ने डीडीयू, जहां पे खुद इनका नेशनल हेड ऑफिस है, उसके कहीं रोड पे, उसी रोड पे, डीडीयू रोड पे दिल्ली में आरएसएस स्वदेशी जागरण मंच को ये जगह दी गई मोदी सरकार द्वारा, जहां पे ये कंपनी फिर शिफ्ट हुई। आप ये बात समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के चालाकियां आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी होती है। जितने भी पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट थे उस समय के, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। मोदी जी प्रकट हुए टीवी पे, आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, हो गया था। अब ये समझने वाली बात है कि इन 500 और 1000 नोट जो बंद किए गए, इनको एक स्पेसिफिक कोड नेम दिया गया या सरकारी नाम दिया गया, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। ये 500 और 1000 के पुराने वाले स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, जिनको रद्द कर दिया गया था, SBN भी कहा जाता था। ये बात है 2016 की नवंबर में। अब हम एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि 2000, और आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इधर देख के क्यों कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे हवा में इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है, कालाबाजारी का बहुत बड़ा खुलासा है, कि जिसके अंदर संबित पात्रा जैसे लोग लिप्त हैं। 2016 और 17 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के जो पेपर्स बाहर निकल के आए हैं कंपनी डिटेल्स के, जो मैंने कंपनी इसमें आपको बताई है इनकी, उसमें 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन शुरू होता है। 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन खत्म होता है, यानी कि पैसा जमा करने का 500 हजार, ये जो ड्यूरेशन दी गई थी 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच में, इस कंपनी ने, संबित पात्रा की कंपनी ने बैंकों में जो पैसा जमा किया 500 और 1000 रुपए का नोट, उसकी डिटेल्स इस प्रकार से है कि कंपनी के पास 61,52,000 रुपए कैश रोकड़ा, उन पुराने 500 हजार रुपए के नोट जिसकी टोटल कीमत होती है 61,52,000, 61,52,000 रुपीज, ये उन्होंने बैंकों में जमा किए। ये सारी की सारी कैश वो पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट थे। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सबको बोला था, आपने भी किया, मैंने भी किया, समझते हैं आगे।